हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखिंग नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, ये है शॉमी का एयर क्वालिटी मॉनिटर, एक पोर्टेबल प्रोडक्ट जिसको आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एयर क्वालिटी के इश्यूज़ है, अगर आप जानना चाहते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो शॉमी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो है ये है एक एडवांस्ड एयर क्वालिटी मॉनिटर जो ना ही सिर्फ आपको इंडोर एयर क्वालिटी देगा, आउटडोर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन भी देगा, प्लस अलग अलग टाइप के इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी प्रोडक्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोडक्ट के सारे फीचर्स। सो दोस्तों, यहाँ पर है ये पैकेज जिसके ऊपर क्लियर व्हाइट कलर का डिज़ाइन का प्रोडक्ट है हमारे सामने, जो है शॉमी का एक एयर क्वालिटी मॉनिटर, जो एक एडवांस मॉनिटर है, जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है चाइनीज लैंग्वेज में, जहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि PM 2.5 का एयर क्वालिटी चेक होगा और काफ़ी सारी चीज़ें चेक होने वाली हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट सपोर्ट करता है वाईफाई और कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। हालांकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन अगर डिटेल में चाहिए तो आप जा सकते हैं लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। फटाफट खोलते हैं बॉक्स को और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। मैं इसको रखता हूँ साइड में और आपको सबसे पहले दिखाता हूँ पैकेज के कंटेंट्स। सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है एक रीडिंग मैनुअल और उसके अलावा आपको मिल जाएगा एक माइक्रो यूएसबी टाइप सी केबल, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस छोटे से एक्सेसरी के अंदर भी माइक टाइप सी का केबल आपको मिल गया है। यहाँ पर आपके सामने है एयर क्वालिटी मॉनिटर और इसकी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। एक रेक्टेंगुलर डिज़ाइन डिस्प्ले आपको मिल जाता है और साइड्स में दो अलग अलग वेंट्स है जो स्पीकर नहीं है लेकिन एयर इनपुट्स है, जहाँ पर मतलब हवा अंदर जाएगी और आपको पता चलेगा कि एयर की क्वालिटी कैसी है। अगर हम बात करें पीछे की तरफ तो यहाँ पर मीजिया की ब्रांडिंग है और टाइप सी का पोर्ट है और नीचे की तरफ आपको एक रबराइज मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप इसको आराम से डेस्क के ऊपर रख सकते हैं। ऊपर की तरफ ऑन ऑफ स्विच है जिसको मैंने जैसे ही ऑन किया, सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो थी कि यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाता है। हमने यहाँ पर कंप्लीट किया वाईफाई का सेटअप और इसके बाद हम सीधा पहुँच गए इसके नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर आपको करंट एयर क्वालिटी डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगी। फर्स्ट थिंग हमें जो मिल गया यहाँ पर वो था एक सॉफ्टवेयर अपडेट जिसको मैंने फटाफट से अपडेट किया, जिसको लगा करीब 6 से 7 मिनट का टोटल टाइम। और यहाँ पर मैं मीनवाइल आपको दिखाता हूँ दोनों पुराने वर्जन और ये नए वर्जन का ओवरऑल कंपैरिजन। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन पुराने वाले में आपको सिर्फ PM 2.5 का एयर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलता था और एक स्क्वायर डिज़ाइन थी, और यहाँ पर पीछे की तरफ आपको टाइप सी और यहाँ पर माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं, जो एक काफ़ी बिगर डिफरेंस है। और नए वाले का डिस्प्ले भी मुझे थोड़ा बेटर लगा, 480p का डिस्प्ले है और यहाँ पर आपको मिल जाता है 3.1 इंचेस का डिस्प्ले। अगर पुराने वाले की हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ टाइम और PM लेवल्स मिल जाते हैं लेकिन नए वाले में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा करंट एनवायरनमेंट और बोलते हैं कि PM लेवल कम है। इसके बाद फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाता है वेदर इन्फॉर्मेशन, टाइम, डेट और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जिसके बाद अगर आप स्वाइप करोगे तो आपको मिलेगा TVOC का इन्फॉर्मेशन, जिसको थोड़ा सा समय लगेगा रिकॉग्नाइज करने में, नोट करने में, लेकिन उसके बाद आपको एग्जैक्ट रीडिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको आउटडोर टेम्परेचर, इंडोर टेम्परेचर सब कुछ मिल जाएगी और ह्यूमिडिटी भी मिल जाएगी, मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसके अंदर मिल जाता है। और इसके बाद जैसे आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको एडिशनल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप जा सकते हैं सेटिंग्स में और मी होम एप्लीकेशन में, इसको आप अपने मी होम ऐप से कनेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट की डिटेल्स को आप जान सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाईफाई ऑप्शंस, रीसेट ऑप्शंस और स्क्रीन, सिस्टम अपडेट्स, लोकेशन, यूनिट, टाइम, डेट और ये सारे डिफॉल्ट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक और सॉफ्टवेयर अपडेट भी यहाँ पर अवेलेबल है और रिलीज नोट्स हालांकि चाइनीज़ में है तो मैं इसको भी इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन ये है ओवरव्यू कंप्लीट इस प्रोडक्ट का और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पर एनालिटिक्स मिल जाएंगे और ये सारे के सारे सिंक हो जाएंगे आपके स्मार्टफोन के साथ मीओ ऐप के थ्रू, जिसके बाद आपको कंप्लीट अलर्ट्स मिलते रहेंगे जब भी एयर क्वालिटी कम ज़्यादा आज के पीछे हो रही है। और ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा जो लोग रहते हैं नॉर्मली आई वुड से उन सिटीज़ में जहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत ही बुरी है, और यहाँ पर आप हिस्टोरिकल डेटा भी देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और इसकी अगर प्राइसिंग और करंट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स सब कुछ चाहिए तो आप जा सकते हैं लिंक के ऊपर जो दी गई है मैंने डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। और ये था इस प्रोडक्ट का कंप्लीट अनबॉक्सिंग और एक ओवरव्यू। सो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट अनबॉक्सिंग और एक ओवरव्यू शॉमी के लेटेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर का।
दिखने में तो काफ़ी ब्यूटीफुल है लेकिन है भी काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट, और इसके बारे में अगर आपको जानना है ज़्यादा तो आप जा सकते हैं नीचे दिए गए लिंक के अंदर, जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। बस इतना सा दोस्तों, ये था एक कंप्लीट अनबॉक्सिंग और एक ओवरव्यू Xiaomi के एडवांस्ड एयर क्वालिटी मॉनिटर का। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल था तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।